नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। रमजान का महीना खत्म होने के 65 से 70 दिनों बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाती है। वहीं इस साल बकरीद सोमवार 17 जून को मनाई जाएगी। ये दिन कुर्बानी का होता है। इस्लाम धर्म में इस दिन दी जाने वाली कुर्बानी को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसे लेकर जमशेदपुर के साक्चे स्थित आम बागान मैदान में बकरों का सबसे बड़ा बाजार सज चुका है। यहाँ जमशेदपुर समेत आसपास के शहरों से व्यापारी और खरीदार दोनों पहुँचे हुए हैं। बाजार में बकरों की कई नस्ल मौजूद है और हर नस्ल के बकरे की अपनी ही खासियत है। इसी के हिसाब से मोल भाव किया जाता है। साक्ची आम बागान मैदान में हर साल 10 से 15 दिन पहले से ही बकरी की मंडी लग जाती है। इस बार जून की 17 तारीख को बकरीद मनाई जाएगी, जिसके लिए लोगों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए साक्ची आम बागान मैदान में बकरों की मंडी भी सज गई है, जहां हर नस्ल और रेट के बकरे मौजूद हैं। वहीं इस बार 13,000 रुपये से लेकर 1,30,000 तक के बकरे बिक रहे हैं। आमतौर पर लोग 13,000 रुपये से लेकर 15,000 के बकरे खरीद रहे हैं। यहाँ बाजार में इलाहाबाद से भी कई बकरे आए हैं। इसके अलावा टेलको, मानवो, जुगसलाई आदि जगहों के लोग भी अपने अपने बकरे बेच रहे हैं। मोटे ताज़े और खूबसूरत बकरों की कीमत अधिक है। इनकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर 1,50,000 तक भी है। बकरों के वजन के मुताबिक इनका रेट तय होता है। बकरीद 17 जून को है। बकरीद के पहले का ही दूसरा आखिरी रविवार है, इसलिए रविवार को बकरा खरीदने वालों की काफ़ी भीड़ भी रहती है और खूब बकरे भी बिकते हैं। मगर इस बार विक्रेताओं के मुताबिक बाजार थोड़ा ठंडा है, जहां एक विक्रेता ने बताया कि कई लोग कुर्बानी व बकरीद के कुछ दिन पूर्व ही बकरे ले जाते हैं, क्योंकि उनके घरों पर जगह रखने की कमी होती है। अभी एक हफ्ते का समय बचा है, जिसे लेकर विक्रेताओं को उम्मीद है कि बाजार अपने उरूज पर जरूर पहुंचेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इसी महीने के 17 तारीख को बकरीद का एक फेस्टिवल है। बकरीद के फेस्टिवल में हमारे सभी मुस्लिम भाई जो है एक जानवर की कुर्बानी देते हैं। उस जानवर की कुर्बानी में उस एक प्रमुख है खसी। यहाँ इन दिनों जमशेदपुर के आम बागान मैदान में खसी का बाजार सज चुका है। इस बाजार में सबसे कम दाम का खसी 13,000 रुपये है और सबसे जो महंगा खसी है वो 65,000 रुपये एक है। इसी बीच में हमारे एक भाई है जो गुलमुरी के रहने वाले, उन्होंने अब दो खसी लिया है। उनसे जानते हैं वो इस एक दो जोड़ा खसी को कितना मिली है और इस जो रेट इनको जो ऑफर प्राइस था या परचेजिंग प्राइस है, इससे वो संतुष्ट है कि नहीं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वसीम खान हुआ। कहाँ रहते हैं आप? गुलमुरी। ये दो खसी कितने मिली आप? मैंने दो खसी 80,000 रुपये मिली है। इसका ऑफर प्राइस क्या था? इसका ऑफर उसने मुझे लगाया था 1,10,000 रुपया। आपने उससे बार्गेनिंग करके 80,000 में लेकर के आ गए? जी हाँ। तो ये जो प्राइस 80,000 में परचेज किया, इसकी 80,000 के हिसाब से खसी है कि बात खसी की बात खूबसूरती की होती है, जो जानवर पसंद आ गया बात खूबसूरती की है, इसी मैंने उससे रेट दिया। तो इसमें तकरीबन कितना कितना केजी मीट निकल जाएगा दोनों मिला करके? भाजन बात किलो की है, वेट की नहीं है भाजन, बात खूबसूरती की है भाजन। मतलब आप जो रेट ऑफर किया है सेल करने वाले को, खाली आपको खूबसूरती पसंद आ गई जिसके लिए आपने खसी ले ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने घर जाना है। यही हाल होता है नीट यूजी परीक्षा की तैयारी के लिए घर माँ पिता और दोस्तों से दूर किसी और शहर जाने वाले बच्चों का। मगर अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको एक सफल डॉक्टर बनने में मदद करेगा सफल इंस्टीट्यूट, जहां खुद नीट यूजी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और मेडिकोज देते हैं प्रशिक्षण। क्लास 11th, 12th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर क्लासेस प्रोग्राम और 50% स्कॉलरशिप ओरिएंटेड सीट्स के साथ। तो अब आपको सफल होने के लिए कहीं और नहीं बल्कि सफल की ओर आने की जरूरत है।